रायसेन जिले के सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर परिषद सुल्तानपुर में सम्मान अभियान कार्यक्रम का आयोजन के अंतर्गत सीएमओ सुश्री सुरेखा जाटव ने बताया कि शहरों में जो योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अंगीकार अभियान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत हमने महिला रंगोली प्रतियोगिता कराई थी और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से नगर की महिलाओं का सम्मान किया गया है। रंगोली में विजेता को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया एवं अन्य महिला प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। शासन की योजना का सीधा प्रसारण टीवी पर दिखाकर अवगत कराया गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष अरुणा राजपाल ने स्वच्छता अभियान के दौरान नगर की साफ सफाई, वृक्षारोपण, नदी की सफाई, पार्क सौंदर्यकरण जैसे कार्यों की सराहना करते हुए सीएमओ सुरेखा को सम्मान स्वरूप भेंट प्रदान किया, जहां पर समूह व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सीएमओ सहित पूर्व अध्यक्ष अरुणा राजपाल और नगर प्रिय रानी बाई के सम्मान में भेंट प्रदान की। इस दौरान तहसीलदार पलक पीढ़िया एवं शैलेंद्र जैन उपस्थित रहे। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो आपने कार्यक्रम किया है, इसके बारे में आप थोड़ा विवरण दें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में हमारे शहर में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में अंगीकार अभियान योजना, और आज हमारी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हमने घर घर रंगोली प्रतियोगिता कराई थी, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए और सभी महिलाओं को बुलाकर उनका सम्मान किया है, जिसमें जैन साहब और राजपाल मैडम उपस्थित हैं। आप जो कार्यक्रम दे रही हैं, करा रही हैं, नगर के लिए कर रही हैं, तो उसके लिए लोग काफ़ी खुश हैं, उस खुशी का आप कैसे इजहार करेंगे? खुशी का इजहार आपने देख ही लिया है, मुझे जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, आज भी मैडम द्वारा जो हमारी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मानित करते हुए गिफ्ट दिया है, उसी के साथ पहले श्रीवास्तव जी ने भी दिया, और सभी सराहना करते हुए मेरा साथ बहुत दे रहे हैं, जिसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।